हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए थोड़ा यूनिक और यूज़फुल कुछ लेके आई हूँ। अभी मई का महीना है, छुट्टियों का सीज़न है, तो बहुत लोग गांव चले जाते हैं। तो कभी कभी ट्रेन में या कहीं पर चार्जर पॉइंट तो होता है, लेकिन उसे मोबाइल रखने के लिए कुछ जगह नहीं होती है। ऐसे वक्त में यूज़ आने वाला मैं आज मोबाइल पाउच कम हैंगिंग बताऊंगी आप लोगों को, जिसे आप कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हो। तो उसके लिए हमें चाहिए दो कलर के माइक्रेम। मैंने यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन किया है, आप यहाँ पे सिंगल कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और कुछ वुड के बिट्स लिए हैं मैंने, और इस तरह के मैंने छोटे रिंग लिए हैं। इसी शेप में चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ पर किचन रिंग भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे कीस में आती है, उस तरह की छोटी रिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। और हमेशा की तरह लाइटर एंड सीजर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं मोबाइल पाउच कम होल्डर। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। देखिए, यहाँ पे मैंने दो कॉर्ड लिए हैं, और ये कॉर्ड हमारे 1.5 मीटर की है, सिंगल एक कॉर्ड हमारा 1.5 मीटर का है। तो ऐसे मैंने दो कॉर्ड यहाँ पे लिए हैं, और जैसे कि हम बैग के लिए कॉर्ड रेडी करते हैं, उसी तरह से हमें यहाँ पे कॉर्ड रेडी करने हैं। तो मैं आपको एक बताऊंगी, मैंने इस तरह से दोनों हाफ अप कर लिए, और अभी मैं यहाँ पे इस तरह से नॉट लगाऊंगी। तो ये हमारी एक कॉर्ड रेडी हो गई है। मैंने इसे पहले भी आपको ये बताया है कि किस तरह से ये अटैच करते हैं, तो उसी तरह से मैंने ये अटैच कर लिया है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक बनाया है, और अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसी तरह से ऑरेंज भी बना के रखा है। तो आपको मैं बताऊंगी कि इसे जॉइन किस तरह से करते हैं। तो देखिए, ये हमारी दो कॉर्ड है, एक कॉर्ड में हमें चार कॉर्ड मिलते हैं, एक नॉट लगाने के बाद हमारे पास चार मिलते हैं। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी नॉट लगाने के बाद हमें यहाँ पे चार कॉर्ड मिले हैं। तो हम इसके बीच वाले दो और इसके दो साइड वाले, देखिए, इनको लेके यहाँ पे हम नॉट लगाएंगे। ऊपर जॉइनिंग करने के वक्त हमने एक ही साइड से नॉट लगाया था, लेकिन यहाँ पे हम स्क्वायर नॉट लगाएंगे और इसे इस तरह से टाइटली खींच लेंगे। तो ये जॉइन हो गया। इसी तरह से आप यहाँ पे कोई भी कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, सिर्फ किस तरह से जॉइन करना है वो याद रखिए। तो मैं सेम उसी तरह से मैंने यहाँ पे और दो एक कॉर्ड लिया है, और जो हमारे यहाँ का जो बचा हुआ दो कॉर्ड है वो मैं लूँगी, और इसके दो कॉर्ड लूँगी साइड वाले, और फिर से उसी तरह से मैं यहाँ पे एक स्क्वायर नॉट लगा दूँगी जैसे कि हमने पहले लगाया है। और इसे खींच लेंगे। तो ये हमारा और एक जॉइन हो गया। देखिए, यहाँ पे मैंने ये इस तरह से कॉर्ड लगा लिए हैं,
यहाँ पे जो हमारे ऑरेंज कॉर्ड है वो मैंने यहाँ पे जो हमने ज्वाइन करके लिया था वो मैंने यहाँ पे 5 लिया है और यहाँ पे 5 लिया है। इट मीन्स ये 10 कॉर्ड है और ये 10 कॉर्ड है। ऑरेंज हमारे पास टोटल 20 कॉर्ड है, क्योंकि ये जो हमने सिंगल यहाँ पे कॉर्ड अटैच किया इससे और इससे, तो ये जो हमारा सिंगल कॉर्ड था वो इस तरह का था और ये हमने दो कॉर्ड मिला के एक कॉर्ड किया है इसे, तो ये हमारे पास ये दो कॉर्ड है। इट मीन्स ये जो हमने 5 किया है, 5 कॉर्ड यहाँ पे यूज़ किया है, तो ये हमारे हो गए 10 कॉर्ड ऑरेंज। तो ये 10 और 20 कॉर्ड हमारे ऑरेंज लगे हैं हमें। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 4 यूज़ किया है, इट मीन्स ये 8 है और ये 8, तो ये टोटल 16 हो गया। तो हमें ऑरेंज 20 लगे हो, ग्रीन हमें 16 लगे हैं, तो टोटल हमें कॉर्ड 36 लगे हैं और एक कॉर्ड हमारा 1.5 मीटर का है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं ये डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, तो आप वहाँ जाके देख लीजिए। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसे किस तरह से ज्वाइन करते हैं। तो ये हमने सर्कल बना लिया है और ये हमारा कलर कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अभी हम यहाँ पे इसे ज्वाइन कर लेंगे तो ये हमारा सर्कल बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो कॉर्ड है इसके मैंने 2 लिए हैं कॉर्ड, और इसके एंड के मैंने 2 कॉर्ड लिए हैं। इसे मिला के मैं यहाँ पे एक सिंपल नॉट लगा दूंगी, जो कि हमारा स्क्वायर नॉट होता है। तो ये हमारा सर्कल बन के रेडी है। मैंने ये मेरा मोबाइल है, मैं इसके साइज का ये पाउच बना रही हूँ। तो मैंने इसे थोड़ा ओवर साइज लिया है, क्योंकि मेरा फ़ोन ऑलरेडी बहुत बड़ा है। और ये देखिए, मैंने इसे थोड़ा ओवर साइज इसलिए लिया है क्योंकि जैसे जैसे हम ये पॉकेट बनाते जाएंगे तो ये सिकुड़ता जाएगा, छोटा बनेगा, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी इसे बड़ा साइज़ लिया है। और हम इसे चार्जिंग लगाएंगे तो थोड़ा मतलब मूवेबल रहेगा तो अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने इसे एकदम पाउच की तरह नहीं बनाऊंगी मैं थोड़ा इसे गैप रखूंगी, क्योंकि इसके बाद हम इसमें इनर भी डालने वाले हैं तो ये एग्जैक्ट हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ से सिंपल नॉट स्टार्ट करेंगे। कोई भी एक मिडल पॉइंट पकड़ लीजिए और वहाँ से सिंपल नॉट स्टार्ट करेंगे। मैं ये पाउच सिंपल बना रही हूँ, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं मैं ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन किया है तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ डिज़ाइन नहीं डालूँगी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने जो कलर कॉम्बिनेशन किया है उस अनुसार ये जो मेरा ग्रीन कलर है वो साइड में आ जाएगा और बीच में ऑरेंज कलर आ जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे रिंग लगाऊंगी एक, ताकि बाद में हम हैंगिंग के लिए इसे बेल्ट लगाएंगे। यहाँ पे जो हम नॉट लगाने वाले हैं वो कॉर्ड लेंगे, जैसे कि हमने बीच बीच दो नॉट के बीच वाला कॉर्ड लेके हमने नॉट लगाया है, तो ये जो सेंटर वाला नॉट जो हमारा है वो हम नॉट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम रिंग लगाएंगे नॉट की जगह।
देखिए मैं इस तरह की रिंग यूज़ कर रही हूँ इसके लिए, तो मैं रिंग यहाँ पे इस तरह से रखूँगी और इस कॉर्ड को इसके अंदर से बाहर निकालूँगी। फिर से और एक बार इसे बाहर से अंदर इसी तरह से हम ये और तीन कॉर्ड भी इसे अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारी रिंग यहाँ पे अटैच हो गई है। जैसे कि हमने यहाँ पे रिंग अटैच की है सेंटर में, उसी तरह से हमें यहाँ पे भी अटैच करनी है। तो अभी हम यहाँ से हमारा नॉट जो हमने हम लगा रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से ये जो नॉट है वो मैंने थर्ड लाइन में, मतलब सेकेंड लाइन में मैंने रिंग लगाया है। ये हमने ऊपर का जॉइन किया है, उसके बाद में मैंने एक लाइन सिंपल नॉट लगाई और सेकेंड लाइन जो मैं बना रही थी उसके बाद में मैंने थर्ड लाइन जो आती है वहाँ पे मैंने ये रिंग लगाई है, नॉट की बजाय मैंने रिंग लगाई है। इसी तरह से यहाँ दोनों साइड में ये रिंग लगा ली है। अब मैं यहाँ पे एक लाइन और बीट्स डालूंगी। एक लाइन में यहाँ पे बीट्स डाल के बनाऊंगी। मैंने यहाँ पे वुड के बीट्स लिए हैं। इसी तरह से हमें ये पूरा राउंड बीट्स लगाकर कंप्लीट करना है। बीट्स ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हैं या फिर आप ऐसे ही प्लेन भी बना सकते हैं इसे, क्योंकि आप इसमें मोबाइल रखेंगे तो रैशिश भी हो सकते हैं बीट्स से। मैं बीट्स इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैं इसके अंदर एक इनर पॉकेट बना रही हूँ ताकि मेरा मोबाइल इसमें सेफ रहे, तो इसलिए मैं ये बीट्स लगा रही हूँ। इसका जो पॉकेट है वो भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो बना सकते हैं मोबाइल की सेफ्टी के लिए या फिर आप इसे इसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी बीट्स की लाइन, मैंने एक बीट्स की लाइन लगा ली है। अब मैं यहाँ पे सिंपल नॉट स्टार्ट करूँगी, जितने की मेरी फ़ोन की मतलब हाइट है मैं वहाँ तक सिंपल नॉट लगाऊँगी। तो देखिए मेरी फ़ोन की हाइट यहाँ तक है, तो मैं इसे थोड़ा सा एक नॉट की लाइन एक्स्ट्रा में इसे लगा लूँगी। आपका फ़ोन जितना हो आप वहाँ तक, आपकी हाइट जितनी हो फ़ोन की वहाँ तक आप इसे सिंपल नॉट लगा के तैयार कर लीजिए। तो देखिए मैंने इसकी हाइट यहाँ तक ली है जितना कि मेरा फ़ोन है। ये
लगभग 6.5 इंच तक है। मेरा जो फ़ोन है वो 6 इंच का है और मैंने आधा इंच थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है। अब हम यहाँ पे देखिए, जो हमने कलर कॉम्बिनेशन किया था वहाँ पे हमें ये 4 नॉट मिले हैं ग्रीन के, तो हम इनका ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने ये ट्रायंगल बना लिया। यहाँ तक जो हमारा लेवल था वहाँ तक हमें ये 4 नॉट मिले थे। उसके बाद में मैंने यहाँ 3 फिर 2 फिर 1 इस तरह से मैंने नॉट लगाए हैं। सेम उसी तरह से हमें यहाँ पे भी ट्रायंगल बनाना है, तो मैंने दोनों साइड पर इस तरह से छोटा सा ट्रायंगल बना लिया है। और यहाँ पे जो बीच में येलो हमारे ऑरेंज जो कॉर्ड बचे थे उनका भी मैंने इस तरह से ट्रायंगल बना लिया दो तक। देखिए जैसे कि यहाँ पे 5 नॉट है, तो मैं अभी 4, 3 और 2 तक ये बनाऊंगी। इस तरह से ये मैंने यहाँ पे भी ट्रायंगल बना लिया। अब हम इसे उल्टा करेंगे। तो मैंने इसे रैप कर दिया है। किस तरह से मैंने रैप किया है वो मैंने 2-3 वीडियो में बताया है। आप चाहे तो मेरे पहले वीडियो देख सकते हैं, जो पर्स के या बैग के है, क्लच के वगैरह, उसमें मैंने ये किस तरह से रैप करते हैं वो बताया है। आप चाहे तो इसे जला सकते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो आप इस तरह से इसे स्टिक भी कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए इस तरह से ये हमारा पाउच बन के रेडी है। अभी हमें इसके लिए बेल्ट बनाना है। देखिए मैंने यहाँ से नीचे से इस तरह से इसे पैक कर दिया है। मेरा फोन इसमें इजीली आता है। देखिए एक एग्जैक्ट मेरे फोन के साइज का बना है। अभी हमें इसका बेल्ट बनाने के लिए 2 हुक्स चाहिए इस तरह के। इसे डॉग हुक भी कहते हैं, इसे एक्सटेंशन हुक भी कहते हैं। ये अलग अलग साइज़ में आता है, मैंने ये सबसे छोटा साइज़ लिया है। तो इस तरह के मैंने ये 2 लिए हैं। मैं यहाँ पे ग्रीन कॉर्ड यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ 1 मीटर ग्रीन कॉर्ड ली है। इसमें जैसे कि हम कॉर्ड लगाते हैं रिंग को, उसी तरह से मैं यहाँ पे से लगा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे इस तरह से 2 कॉर्ड लगाऊंगी।
दोनों हमारी एक एक मीटर की कॉर्ड है। यहाँ से मैं सिंपल नॉट स्टार्ट करती हूँ और इसका कॉलम बना लूंगी। अभी मैं ये दूसरा हुक ऐड कर रही हूँ। इसके पीस से कॉर्ड लेके नीचे से निकाल रही हूँ। तो ये एक्स्ट्रा कॉर्ड हम कट कर देंगे और इसे जलाकर स्टिक कर देंगे। तो ये जो हमारा बेल्ट बन के रेडी है, ये मैंने 20 सेंटीमीटर का बनाया है क्योंकि हम ऑन द स्पॉट इसे चार्जर पर होल्ड करेंगे, इसलिए मैंने ये बेल्ट छोटा बनाया है। अगर आप इसे पाउच बनाना चाहते हैं या फिर स्मॉल बैग टाइप में यूज़ करना चाहते हैं मोबाइल रखने के लिए ट्रैवल में या वगैरह, तो आप इसी तरह से, मतलब जैसे कि मैंने बनाया इसी तरह से लेकिन बड़ा आप बना सकते हैं। तो देखिए अभी मैं इसे लगाऊंगी। इस तरह से प्रेस करने पर ये खुल जाता है और इसके अंदर हम ये रिंग डालेंगे जो कि हमारी बैग पर अटैच है, ये वाली रिंग इस तरह से। तो ये हमारा पाउच बन के रेडी है। तो अभी हम इसके लिए इनर पॉकेट स्टिच करेंगे। तो ये मैंने इनर लिया है, इनर कपड़ा लिया है, ये बैग का कपड़ा मिलता है ये बैग के शॉप में, मतलब जहाँ पे बैग का मटेरियल मिलता है वहाँ पे ये कपड़ा इजीली अवेलेबल होता है। तो मैं इसके साइज़ का पहले से कट करूँगी, उससे पहले मैं ये बेल्ट निकाल के रख देती हूँ, बाद में हम इसे लगाएंगे। तो ये जो मेरी बैग है अभी हम इससे मेजर करेंगे, पहले इसके साइज़ का इनर कट करना है हमें। तो इसके लिए मैंने इसे फोल्ड किया है, डबल किया है इस कपड़े को इस तरह से, और मैं अभी इस पर मार्क करूँगी। तो उसके लिए मैं पहले बैग को इस पर रखूँगी इस तरह से, और बैग के मतलब हमारा जो पाउच है उसके साइड से एक एक इंच छोड़ के मार्क कर लूंगी। तो हमें चाहिए इतना कपड़ा, बाकी का हम कट कर देंगे। हम इसे स्टिच कर लेंगे। आपके पास मशीन ना हो तो आप इसे हाथ पर भी स्टिच कर सकते हैं।
कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है इसे स्टिच करना। तो उसके साथ हमें चाहिए इस टाइप का वेलक्रो, इसे वेलक्रो कहते हैं। आपने देखा होगा ये बहुत जगह पर यूज़ होता है, जैसे कि सैंडल या अपना कुछ कुशन हो तो उसमें ये ज़्यादा यूज़ होता है, इसे वेलक्रो कहते हैं। तो हमें इस टाइप का वेलक्रो चाहिए क्योंकि हमारे ये जो पॉकेट इसका बनेगा ये छोटा बनेगा, तो इसलिए मैं इसे जिप नहीं लगाऊंगी। अगर आप चाहे तो इसे जिप भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये वेलक्रो लगाने जा रही हूँ। तो ये जो हमने कपड़ा कट किया था, पहले हम इसके कॉर्नर एजेस जो है वो स्टिच कर लेंगे ताकि फिनिश दिखे। मैं यहाँ पे वाइट धागा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आपको ये ब्लैक में ठीक से दिख पाए, और दूसरी बात ये है कि ये पॉकेट के अंदर चला जाता है तो धागे का कुछ मतलब, कोई भी यूज़ करो धागा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड को भी हम स्टिच कर लेंगे। तो हम ये पॉकेट पूरा स्टिच करने से पहले यहाँ पे हम इसे वेलक्रो लगा लेंगे। आप चाहे तो एक सेंटर में ही लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे दो लगाने जा रही हूँ इसलिए मैं साइड साइड में इस तरह से लगाऊंगी। इसके दो पार्ट होते हैं, एक सॉफ्ट होता है और एक इस तरह का होता है। तो जहाँ पे कोई भी कहाँ कहीं पे भी लगा सकते हैं, उसके ठीक अपोजिट उसका दूसरा पार्ट आप लगाइए। देखिए यहाँ पे मैंने दो लगा लिए हैं, ठीक उसके अपोजिट साइड मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। तो यहाँ पे मैं उसका दूसरा साइड जो है वो लगा रही हूँ। इसी तरह मैं दूसरा भी लगा लूंगी। तो ये हमारा वेलक्रो लगा के हो गया है। अब हम इसके साइड दोनों साइड स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा पॉकेट हम इसके अंदर डालेंगे। जैसे कि हम बैक को स्टिच करते हैं इनर लगा के, उसी तरह से हम इसे भी स्टिच कर लेंगे। मैं कोने से स्टार्ट करूंगी।
तो देखिए इस तरह से ये हमारा मोबाइल पाउच कम हैंगर बन के रेडी है। इसमें मैं फ़ोन रख दूँगी मेरा, और इस तरह से प्रेस कर दिया तो ये चिपक जाएगा। और ये जो हमारा बेल्ट है यहाँ इस तरह से इसे लगा सकते हैं, और जहाँ पर भी हम चार्जिंग पॉइंट लगाते हैं वहाँ पर इसे इस तरह से हैंग कर सकते हैं। तो ये सेफ भी रहेगा, अच्छा भी रहेगा। और जो इनर है वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो इनर लगा सकते हैं या फिर उसी तरह मतलब वैसे ही यूज़ कर सकते हैं इसे। ये ट्रैवलिंग में बहुत ही काम आने वाली चीज़ है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।